नाजरीन, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं वीवन न्यूज चैनल। वीवन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लैंड्स को कब्ज करने वाले लैंड ग्रैबर्स को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से फेक लैंड डॉक्यूमेंट स्टैम्प्स को जब्त कर लिया। तफसील हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार IPS की जुबानी। साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक क्रिमिनल गैंग, काफी बड़ा गैंग, लगभग 15 मेंबर्स का ये गैंग है, जिसमें 7 गैंग मेंबर्स का अरेस्ट हुआ। ये एक्सटॉर्शन गैंग पुराने पेपर्स को केमिकल द्वारा वॉश करके उसके ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर फेक जुडिशियल स्टैम्प लगाकर एक्सटॉर्शन करते और लैंड ग्रैबिंग करते। उनके पास से रबर स्टैंप 1392 फेक डॉक्यूमेंट्स, 210,000 कैश और 6 सेल फोन की बरामदी हुई है। ये पूरा चंद्राय गुट्टा पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर के हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स 7 लोगों को अरेस्ट किए। इसमें अली बिन मोहम्मद जाबरी, नेटिव ऑफ चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद, जिसके ऊपर चंद्रायन गुट्टा और बालापुर में केसेस हैं, मोहम्मद वसी एलियस स्वीटी, चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला है और इसके ऊपर बालापुर हुसैनी आलम और चंद्रायन गुट्टा में पुलिस स्टेशन में केसेस हैं, मीर शकीर अली, इनके ऊपर भी चंद्रायन गुट्टा बालापुर और हुसैनी आलम में केसेस है, मोहम्मद मुजीब जो अभी एक्सपॉन्डिंग है, जिसके ऊपर भी करीब 10 केसेस हैं, और इसके अलावा और भी क्रिमिनल्स हैं जैसे सैयद करामत हुसैन, वहीद अली, मोहम्मद फजल शरीफ, मोहम्मद खान, सैफ यफाई, सलाम हमदी, अब्दुल्ला मसूद, फरीद खान, हसमुद्दीन, अजहर अहमद, इसमें आखिर के 6 लोग एक्सपॉर्टिंग हैं। ये पूरे ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स के एडिशनल DCP भूमि चक्रवर्ती के लीडरशिप में और उनके साथ SHO चंद्रायन गुट्टा और S राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन, श्री साइलम मतीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे टीम मिलकर ये अच्छा काम किए, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, आज पेपर सब का चेकिंग हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, अब आगे इन्वेस्टिगेशन में सभी से पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे निकलेगा वो आपको मालूम है, ऐसे चुपचाप बातें बताएंगे।